भाजपा कार्यालय हाटा का हुआ उद्घाटन। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। विधानसभा हाटा 334 के भाजपा प्रत्याशी मोहन वर्मा के कार्यालय का उद्घाटन सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे के द्वारा विधिवत पूजन अर्चन कर फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि व अन्य अतिथिगण को माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत विधायक प्रत्याशी मोहन वर्मा ने किया। इसके बाद पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर उनका भी स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का मुद्दा कोई एक नहीं है, एक कोई रहता तो बड़े आसानी से हम लोग अभी तुरंत बता दें, कई मुद्दा है। देखिए, इस उत्तर प्रदेश में, और याद कीजिए 2017 के पहले का समय, आपको स्पष्ट नजर आएगा कि सुशासन जो कहते हैं वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शासनकाल में मिला। लाठी वाले, गुंडा वाले, मवाली वाले, गुंडा राज, भ्रष्टाचार राज, ये सब समाप्त करके अमन चैन जनता को दिया गया। असहाय परिवारों के जो लाठी के दम पर उनके हक अधिकार का शोषण करने का सिलसिला चल रहा था, पूर्णतः विराम लगाया गया। तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मोदी जी योगी जी के हैं, जो मुद्दे ही मुद्दे हैं। अभी आप एक उदाहरण बिजली का ही ले लें। 2017 के पहले बिजली कब आता था, कब जाता था, यहाँ के लोगों को पता नहीं लगता था। आज बिजली चला जाता है तो लगातार फोन हम लोग के कानों में आते हैं, क्योंकि जाता नहीं है। 18 घंटा 17 घंटा देहाती क्षेत्र में, 24 घंटा नगर पालिका के क्षेत्र में। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इस कार्यालय के माध्यम से आप हाटा विधानसभा क्षेत्र की जनता को और जिले की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिले की जनता को और हाटा विधानसभा की जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि जिस तरह से 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता को सुशासन मिला है, अमन चैन मिला है, किसानों को उनके, ये गन्ना बहुल इलाका है, जिस तरह गन्ना भुगतान इनको समय से मिला है, पूर्ववर्ती सरकारों के समय में कई कई वर्ष, 3-3 वर्ष लग जाते थे, और किसानों के हालात को सुधारने के लिए तमाम योजनाएँ चले हैं, साथ में स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। देखिए, कुशीनगर जनपद को तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ, 32 साल से निर्माणाधीन हवाई अड्डे को हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रयास से, आशीर्वाद से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिला, जो आज कुशीनगर का मान बिंदु पूरे दुनिया के मानचित्र पर बढ़ा है। इसके साथ यहाँ के लोगों की सबसे अनिवार्य आवश्यकता था मेडिकल कॉलेज, जबकि गोरखपुर में एम्स होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कुशीनगर के असहाय परिवारों की समस्या को समझते हुए हम मेडिकल कॉलेज दिए। ट्रामा सेंटर की सुविधा लखनऊ के पहले नहीं था, ट्रामा सेंटर की सुविधा दिए। आप ये देखिए, 4 लेन पर हमारे राजमार्ग मंत्री माननीय गडकरी जी ने, देखिए अभी कप्तानगंज में आप देखें कि हम लोगों ने फ्लाईओवर का पहला, देश आजादी के बाद से पहला फ्लाईओवर का शिलान्यास किए थे। बहुत जल्द आप देखेंगे कुशीनगर, बहुत जल्द के साथ गोपालगढ़ के तिराहे पर, फिर आप हाटा के दोनों चौराहे पर देखेंगे, गोरखपुर चौराहे पर और उधर जो केन यूनियन चौराहा है, दोनों चौराहे देखेंगे, फिर सुकरौली के वो इस NH-28 पर आप देखेंगे, नेहरू इंटर कॉलेज के सामने जो अरसे से यहाँ की जनता के एक्सीडेंटल प्लेस था, जिसको ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, वहाँ अंडर पास वहाँ पर निर्माण होते आप बहुत जल्द सुनेंगे, फिर इसी तरह जुलेनिया चौराहे पर आप देखेंगे, सुंदर सड़कों के मार्ग को देख रहे हैं, तमाम असहाय परिवारों के जन कल्याणकारी योजनाएं देख रहे हैं। बेहतर इससे विकास, इससे बेहतर सुशासन देश आज़ादी के बाद से कभी कुशीनगर वासियों को नहीं मिला है। मैं कुशीनगर वासियों से कहना चाहता हूं, जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी योगी और महाराज को और मोदी जी को के हाथों को मजबूत किए हैं, उसी तरह जनता का अपार समर्थन मिलेगा और उन लोगों के हाथ मजबूत होंगे और जन कल्याणकारी और भी बहुत से अभी रुके हैं उसको आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग ऐसे ही मोहन वर्मा और जो भी अपने प्रत्याशी गण जो भी आएंगे उनके सहारे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पीएन पाठक जी हैं और सबके साथ बढ़ाएंगे। पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि सही एलजी को टिकट। देखिए, सही आदमी क्या होता है, एक कार्यकर्ता किसी का चुनाव जो करेगा, हमारे राष्ट्रीय स्तर शीर्ष स्तर के नेतागण करेंगे। हमारा धर्म है कि कमल के फूल को खिलाना और भारतीय जनता पार्टी के सम्मान को बुलंदियों तक पहुंचाने के पहुंचाना। एक कार्यकर्ता 2017 में, याद कीजिए,
मेरा भी सिटिंग विधायक थे, मेरा भी टिकट कटा था, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक कार्यकर्ताओं के लिए उदाहरण हूँ। लेकिन सब्र और धैर्य से मैंने भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों पर और कार्यकर्ताओं के साथ कार्य करते रहा और लोकसभा का चुनाव बिना मुझे मांगे मुझे उतारा गया मैदान में। और यही कुशीनगर लोकसभा की जनता 6 लाख का रिकॉर्ड मतों से अपार समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी के सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। सर, ये बेरोजगारी का एक मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है, इस पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, पहली बार तो जनता को एहसास हुआ है कि रोजगार कैसे पारदर्शिता से मिलता है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दिखाया है कैसे बिना धन के प्रभाव से, बिना सोर्स पैरवी के प्रभाव से कैसे रोजगार मिलता है, कैसे उनको नौकरियां मिलती हैं, भर्तियां मिलती हैं। और ये क्रम आगे चलेगा। अभी जो बजट पास हुए हैं उसमें भी आप देखे होंगे इस तरह के बहुत से योजनाएं हैं। 80 लाख आवास दिया गया है, 60,000 करोड़ रुपया आवासों के उसके वृद्ध आर्थिक वृद्ध भी उसके कीमत भी बढ़ाए गए हैं। और आप जानते हैं 40,000 करोड़ दिया गया किसान सम्मान निधि। एक बार और यूएफटी लाइव के लिए संवाददाता रितेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।